यादव के पिता के निधन के बाद अंतिम यात्रा से पहले हजारों की भीड़ सीएम आवास पर जुट गई। जी हां, सीएम का जो निज निवास है गीता कॉलोनी उज्जैन में, वहां बड़ी संख्या में जो है श्रद्धांजलि देने वाले पहुंच गए। और क्या आम क्या खास, तमाम दिग्गज तो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, वहां शिवराज सिंह भी पहुंचे, तमाम लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन अंतिम यात्रा जब शुरू की गई तो बीच में पुलिस को खास ध्यान रखना पड़ा। जी हां, क्योंकि उज्जैन की जो गली है जहां से अंतिम यात्रा निकल रही थी, वहां पर इस कदर भीड़ आ गई कि पुलिस कर्मी जो है उन्होंने तुरंत सीएम की सुरक्षा का ध्यान रखा और वहां पर सुरक्षा का घेरा बनाया गया और उस घेरे के बीच में सीएम मोहन यादव को ले जाया गया मुक्ति धाम की तरफ। क्योंकि आपको बता दें, भीड़ बहुत ज्यादा उज्जैन में उमड़ पड़ी और अकेले उज्जैन से नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम अंचलों से लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। सीएम जिस घेरे में थे, उस घेरे में उनके साथ नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नरेंद्र तोमर भी नजर आए। सीएम के लिए दुख की घड़ी, हालांकि अमूमन ये होता है कि सीएम की सुरक्षा या प्रोटोकॉल का वैसे भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन चूंकि इस दुख की घड़ी में ये होता है कि रिश्तेदार, आसपास के लोग बाजू में चलते हैं, तो कई बार ये भी होता है कि सुरक्षा का घेरा दूर रख दिया जाता है उस समय पे दुख की घड़ी में। लेकिन चूंकि भीड़ भी थी तो सुरक्षा कर्मियों ने उस स्थिति को संभाला, घेरा बनाया और उस घेरे के बीच में सीएम मोहन यादव नजर आए। उस घेरे के दायरे में रहकर ही सीएम आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए उज्जैन में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना केवल उज्जैन, पूरे मध्य प्रदेश यहां पर लोग पहुंच गए सीएम के यहां संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। सीएम के पिता काफी समय से अस्वस्थ थे, उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका और उनका दुखद निधन हो गया। अंतिम यात्रा के लिए देर रात से ही तैयारी की गई थी, देर रात से लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए थे सीएम के निज निवास में। अंतिम यात्रा में भी उज्जैन में जगह जगह रुककर लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। यही वजह है कि पुलिस ने भी उस स्थिति को समझा कि भीड़ ज्यादा हो रही है। एक तो वीआईपी प्रोटोकॉल, तमाम दिग्गज पहुंचे वहां पर, उसके अलावा सीएम जिस रास्ते से निकल रहे थे वहां पर भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, किनारे खड़े थे लोग, इसलिए बीच में पुलिस को ये सुरक्षा का घेरा बनाना पड़ा। क्योंकि आपको ये बता दें कि उज्जैन में सामाजिक तौर पर बड़े मिलनसार छवि की बात कही जाती थी उनके पिताजी के बारे में, तो ना केवल सीएम के जुड़े हुए लोग बल्कि उज्जैन शहर के तमाम लोग और जिलों से आए हुए लोगों की वजह से खासी भीड़ उमड़ पड़ी, इसलिए पुलिस कर्मियों ने भी सुरक्षा का ये खास ध्यान रखा। आप देखते रहते हैं।